गांधीनगर पब्लिक स्कूल में अवस्थी मेमोरियल कमेटी द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक ऑनलाइन शिक्षा के लाभ और हानि, किसका अधिक प्रभाव है। प्रतियोगिता का प्रारंभ मुख्य अतिथि नगर विधायक रितेश गुप्ता, विशिष्ट अतिथि रवि कुमार सिंगल, प्रबंधक गांधीनगर पब्लिक स्कूल, प्रधानाचार्य शशि शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलन व सरस्वती माल्यार्पण के बाद हुआ। इस प्रतियोगिता में 26 स्कूलों की टीमों ने भागीदारी की, जिसमें CBSE के तथा UP बोर्ड के छात्र छात्राओं ने भागीदारी की। वक्ताओं ने विषय के पक्ष व विपक्ष दोनों में अपनी बुलंद आवाज में अपने अपने विचार व्यक्त किए। विपक्ष वक्ताओं में माना कि ऑनलाइन शिक्षा के अच्छे से ज्यादा बुरे प्रभाव हैं। ऑनलाइन शिक्षा के लिए स्मार्टफोन होना जरूरी है। पक्ष के वक्ताओं ने माना कि आवश्यकता के साथ कुछ बदलाव को अपनाना ही पड़ता है, चाहे उसमें हानियां हो या ना हो। पक्ष के वक्ताओं में प्रथम स्थान दीक्षिका गुप्ता, द्वितीय स्थान आर्यन चौहान, तृतीय स्थान सोनाक्षी ठाकुर। विपक्ष के वक्ताओं में प्रथम स्थान अर्णव सिंह, द्वितीय स्थान मोहम्मद नियाज, तृतीय स्थान अलीशा फातिमा। निर्णायक मंडल में हिंदू कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रामानंद शर्मा एवं दयानंद डिग्री कॉलेज की विभागाध्यक्ष कंचन सिंह ने सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन गुरविंदर कौर, मधुरेहानी ने किया। कार्यक्रम का आयोजन बबीता गोयल, सोना रस्तोगी, सुनील माथुर, नीलम अग्रवाल, खुशबू भटनागर, संगीता टंडन, निकुंज बंसल, नेहा गुप्ता का सक्रिय योगदान रहा। करने में सक्षम नहीं है, लेखन में उत्कृष्टता विकसित नहीं हो पा रही है, अधिकतम बच्चे ऑनलाइन परीक्षा के दौरान नकल करके पास हो रहे हैं, जिस कारण उन्हें अंक तो अच्छे मिल रहे हैं लेकिन ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा से हम अनुशासनहीनता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अनुशासन वह दंड जो कि कक्षा का कार्य है, वह भी ऑनलाइन शिक्षा में संभव नहीं। अध्यापक व शिष्य का संपर्क भी ऑनलाइन शिक्षा में असंभव है। गुरु कुमार शिष्य कुम है कि उक्ति में गुरु की भूमिका कहीं खोती सी जा रही है, अतः गुरु अपने शिष्य को गढ़ने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं, अतः गुरु और शिष्य के संबंधों में आत्मीयता का अभाव हो रहा है। निर्धन अभिभावकों के लिए तो यह और भी बड़ी समस्या है, बच्चे समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है, जो कहीं ना कहीं हमारे देश की उन्नति व प्रगति में बाधा बन सकते हैं। कुछ बच्चे मोबाइल फोन का दुरुपयोग भी करते हैं, जैसे काम करने के बहाने गेम खेलते हैं। ऑनलाइन शिक्षण से एकाकी जीवन संबंधों में दूरी व सामाजिकता का अभाव हो रहा है। ऑनलाइन शिक्षा से हमारे लिखने की आदत छूट गई है, ईमानदारी जैसे नैतिक मूल्यों का अभाव हो रहा है व आंखों और स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है। हम सभी ने अपने अंदर यह बदलाव कहीं ना कहीं अनुभव भी किया ही होगा। फिर भी कुछ लोग जिनका स्वभाव ही होता है हर चीज में कमी निकालना, देखो वो ढूंढ ही लेते हैं। उनका मानना है कि ऑनलाइन शिक्षा अधिक प्रभावी नहीं है, यह सच सुलभ नहीं है, किंतु मेरे विचार से यह शिक्षा अत्यधिक प्रभावी है, क्योंकि सुदूर प्रांतों में रहने वाले लोग भी इस शिक्षा के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग शिक्षण स्थानों तक पहुंचने में समर्थ नहीं है, वे भी इस शिक्षा के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यह जो शिक्षा है वह लड़कियों को भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए द्वार खोल रही है। जो लड़कियां सांस्कृतिक और सामाजिक कारण एक वरदान है, कोरोना का मुंह तोड़ जवाब है। न रुकेंगे हम न थकेंगे हम, न रुकेंगे हम न थकेंगे हम, भारत के भाग्य विधाता बनेंगे हम। नमस्कार, मैं सूफिया कक्षा 10वीं की छात्रा आज आप सभी लोगों के समक्ष अपने विचार ऑनलाइन शिक्षा के पक्ष में प्रस्तुत करना चाहूंगी। ऑनलाइन शिक्षा यानी दूरस्थ शिक्षा जो लॉकडाउन के दौरान हमारा सहारा बनकर खड़ी हुई। वर्ष 2020 की भयंकर महामारी को कौन नहीं जानता, आप नहीं जानते या मैं नहीं जानती, जिसमें सभी कार्यों के साथ साथ शिक्षण संस्थाओं को भी बंद करना पड़ा और जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव विद्यार्थियों की जिंदगी पर पड़ा। माननीय सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ऐसी विपरीत समस्याओं में ऑनलाइन शिक्षा ने ही शिक्षा की कमान को हाथ में थाम लिया और सुचारू रूप से बनाए रखा। महामारी के अंधेरे में रोशनी का उजाला है, महामारी के अंधेरे में रोशनी का उजाला है। अरे साहब, आजकल तो ऑनलाइन शिक्षा का ही बोलबाला है।
अब मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि अगर आज क्या कार्यक्रम कराया गया और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अवस्थी, अवस्थी हमारे एक टीचर थे, गेम्स के टीचर हिंदू कॉलेज में, हम उनके शिष्य थे, वो हमारे गुरु थे। अब चूंकि हम स्पोर्ट्समैन थे तो हम हमेशा जो वो कहते थे वही करते थे। आज जो स्पोर्ट्स में या जो एक्टिविटीज़ में, तो हमारे गुरु थे तो उन्होंने, हमने एक टूर्नामेंट कराना शुरू किया उनके नाम से, उसी ज़माने सन 52 से 1952 से जब हाई स्कूल के स्टूडेंट थे। उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो हमने एक ट्रस्ट बनाया, अवस्थी मेमोरियल कमेटी। अब उसके नाम से एक टूर्नामेंट कराते हैं जिसमें हम कैश प्राइस लगभग 1,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये खर्च करते हैं उसमें, और दोनों टीमों को 1,00,000 रुपये दे देते हैं। बच्चों के प्रोत्साहन के लिए ये वाद विवाद प्रतियोगिता कराते हैं और ये हर समय गांधीनगर पब्लिक स्कूल में हम आयोजित करते हैं, और इसमें सहयोग हमारे स्कूल के मैनेजर साहब श्री रवि सिंघल जी और मैडम प्रिंसिपल शशि शर्मा जी का बहुत सहयोग मिलता है। और इसमें हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं वो हैं श्री रितेश गुप्ता MLA साहब और विशिष्ट अतिथि श्री रवि सिंघल जी हैं। इसमें करीब करीब 25-30 स्कूलों के बच्चे आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबको लंच दिया जाता है, सबको चाय पिलाई जाती है, हर तरीके की सुविधा दी जाती है, कैश प्राइज देते हैं। हर जो प्रथम पक्ष, जो पक्ष में बोलता है प्रथम आता है, जो विपक्ष में बोलता है प्रथम आता है, उनको 3,000-3,000 रुपये, इसी तरह द्वितीय पुरस्कार 2,000 रुपये, 1,000 रुपये तृतीय पुरस्कार और कंसोलेशन प्राइज देते हैं, और उसके अलावा मोमेंटोस भी देते हैं। हमारे जो दो निर्णायक मंडल के सदस्य हैं वो इंटरनेशनल फेम के डॉक्टर रामानंद सागर जी हैं, और एक हड़प्पा डिपार्टमेंट है दयानंद डिग्री कॉलेज की हिंदी एजुकेशन की। इस प्रकार ये सहयोग, इसकी संयोजिका जो हैं वो शशि शर्मा जी रहती हैं, और उनके सहयोग से और विशेष तौर पर हम गांधीनगर पब्लिक स्कूल के जो मैनेजर साहब हैं श्री रविशंकर जी, उनके सहयोग से ये हर वर्ष आयोजित किया जाता है। हम ये सोचते हैं कि हम इससे भी ज़्यादा बच्चों को और प्रोत्साहित करें, और जितना बन सके उन्हें हम कैश प्राइज दें जिससे वो और भी प्रोत्साहित हों। मैडम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, थ्री इन वन है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज? अवस्थी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से हमारे जॉइंट प्रेसिडेंट मिस्टर विजय गुप्ता सालों से इस आयोजन को करते आ रहे हैं। इसके अंदर पहले तो वो हर साल एक क्रिकेट टूर्नामेंट मनाते थे। क्रिकेट टूर्नामेंट में आसपास की जिले की बहुत सारी टीमें पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन इस वर्ष चूँकि ये कोरोना काल चल रहा है वो कार्यक्रम नहीं हो पाया, तो वाद विवाद प्रतियोगिता हमारे जॉइंट प्रेसिडेंट साहब ने आयोजित करी है, जो कि वो ये सालों से करते चले आ रहे हैं। ये अवस्थी जी हिंदू इंटर कॉलेज के अंदर प्राचार्य थे और वो हमारे जॉइंट प्रेसिडेंट साहब के बहुत करीबी रहे हैं। उनकी मृत्यु के उपरांत हमारे जॉइंट प्रेसिडेंट साहब ने ये परंपरा चलाई जो सालों से चली आ रही है। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और सभी लोगों को इससे इस बात का ये बात महसूस होती है कि किसी न किसी तरीके से समाज की सेवा हम लोग करते रहें। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? आज के समय में जो कोरोना का समय है, उस समय में ये प्रतियोगिता बच्चों की जो प्रतिभा है उसको जागृत और विकसित करने के लिए आयोजित की गई है। विषय बहुत सुरुचिपूर्ण है, जहां बच्चे पूरे वर्ष ऑनलाइन कक्षा में अपनी शिक्षा ग्रहण करते रहे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो बच्चों के अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, जो वो कहीं ना कहीं व्यक्त करने के लिए बहुत आतुर थे। तो ये प्लेटफॉर्म आज मिला है अवस्थी मेमोरियल कमेटी के द्वारा, श्री विजय गुप्ता जी के द्वारा, जो इसके आयोजक हैं, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रयास है बच्चों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का, जागृत करने का और अपनी बात को बहुत अच्छी तरह व्यक्त करने का। मैं सभी प्रतिभागियों को, जो करीब 25-30 स्कूलों से हैं, उन सबको अपनी ओर से बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वो अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन करते हुए, सबसे बड़ा प्रयास तो यह है कि वो प्रदर्शन करें, जीते या हारें ये अलग बात है, वो तो निर्णायक मंडल का ही होता है, लेकिन उनका इसमें योगदान देना, आगे बढ़कर बोलना ही बहुत महत्वपूर्ण है।